हेलो डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ राजनीति विज्ञान का जो मंथली टेस्ट है मासिक टेस्ट टेस्ट है उसका पूरा हाल देखने वाले हैं वीडियो के अंत तक बने रहें देखिए पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष की घटना है तो देखिए ये कौन सा वर्ष है ये उन्नीस ईस्वी है ठीक है तो ये उन्नीस उसके बाद बर्लिन की दीवार कब धाराशाही हुई तो इसका उत्तर रहेगा उन्नीस ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्नीस ठीक है उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण की तिथि थी तो क्या थी 11 सितंबर 2001 ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 सितंबर 2001 अब आगे देखते हैं ठीक है इसके बाद क्या है आसियान की स्थापना कब हुई तो देखिए इसका उत्तर क्या है अगर आपके इस प्रश्न में चौथा विकल्प है तो इसका उत्तर उन्नीस रहेगा और अगर नहीं है तो फिर उन्नीस पर जाइए और अगर चौथा ऑप्शन है आपके पास उन्नीस तो फिर उन्नीस इसका सही उत्तर है ठीक है अब आगे देखते हैं सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इससे कारगिल का युद्ध कब हुआ था उन्नीस में हुआ था ठीक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी और रिक्त स्थान संधि को निशस्त्रीकरण के इतिहास में का पत्थर बताया गया वो कौन सी संधि थी परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि ठीक है और उसके बाद पाकिस्तान एक कैसा गणराज्य इस्लामी गणराज्य है ठीक है अब देखिए सही जोड़ी जैसे पहला है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन तो इसका उत्तर हो जाएगा 1961 तो ये 1961 सौ इकसठ सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था उन्नीस में हुआ था ठीक है ऑपरेशन डेजर, डेजर्ट स्टाम तो यह हुआ था उन्नीस सौ में हुआ था यह भी और बांग्लादेश का अभ्युदय देखिए उन्नीस में हुआ था वैसे लेकिन यहाँ उन्नीस लिखा हुआ है तो आप इसको उन्नीस कर सकते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक चार देखिए क्या है आ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए पहला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए तो ये देखिए स्थायी सदस्य पाँच है अमेरिका है ब्रिटेन है फ्रांस है रूस है चीन है ठीक है इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दस अस्थायी सदस्य दो साल के लिए चुने जाते हैं फिर उसके बाद पूछा है सार्क देशों के नाम लिखिए तो देखिए क्या है सार्क का मतलब क्या होता है सार्क का अंग्रेजी नाम है साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ये इसका पूरा नाम है सार्क का ठीक है आठ दिसंबर उन्नीस को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है सार्क के सात सदस्य कौन कौन से हैं भारत है पाकिस्तान है बांग्लादेश है श्रीलंका है नेपाल है भूटान है और मालदीव है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम डोकलाम प्रकरण क्या है तो ये देखिए डोकलाम प्रकरण हमने बता दिया है आप इसको अच्छे से लिख लेना ठीक है भारत और चीन का ये विवाद है और दो में इसकी शुरुआत हुई थी ठीक है चीन सड़क निर्माण कर रहा था और भारत ने उसको मना किया कि आप यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? अब आगे बढ़ते हैं हम शाक थेरेपी क्या है इसको समझाइए तो देखिए शाक थेरेपी हमने यहाँ पर समझा लिख दिया है आप अच्छे से इसको उतार लेना और शाक थेरेपी की विशेषता है ठीक है इनको भी आप अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लेना ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो